मारने वाली 7 फ्लाई है और मुझे बोल रहे हैं कि डेली सुबह मेरे साथ आया कर, झाड़ू लगाया कर और 11 बजे वाली बस में वापस चले जाया कर। बोले देख रहे हो मेरी अहमियत, देख रहे हो इन्हें मेरा झाड़ू कितना पसंद है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की पीठ में दर्द रहती है ना आजकल, कुछ दिनों से इनको पीठ में दर्द हो रही है, तो ये मुझे बोल रहे हैं कि मुझसे झाड़ू नहीं लगता, अब डेली आया कर झाड़ू लगाने। बाय हो तुम? तो तुम नहीं बोल रहे थे कि मेरी पीठ में दर्द होती है? होती तो है पर क्या करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शॉप आई हूँ, शॉप नहीं आई हूँ एक्चुअली, मैं आज मार्केट के लिए आई क्योंकि मुझे थोड़ा काम था मार्केट में। और हाँ, जो पिछले व्लॉग्स में जिन लोगों ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है उनका दिल से थैंक यू। और देखिए मैंने काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे, वैसे नहीं आते यूजुअली वीडियोस में इतने कमेंट्स, बट आए हुए थे कॉन्ग्रेचुलेशन के, तो थैंक यू सो मच। काम पता क्या था यार, आज मुझे ना मार्केट जाना था, एक तो मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और दूसरा ना मेरी जो हील्स है ना उसके नीचे का ना वो गुम हो गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे मोची के पास भी आना था, बहुत थी मेरी ना थ्रेडिंग बहुत आई हुई थी, मतलब मैंने लास्ट जब मैं भैया की शादी के शादी में गई हूँ, जब मेरे भैया की शादी थी उस टाइम पे ही करवाई थी, उसके बाद मैंने करवाई नहीं। देखो जी इसके नीचे वाला ये वाला गुम हो गया, तो ये चलते हुए बड़ा खटखट करता है, बिल्कुल नहीं है ये, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ठीक हो जाए अगर। जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना ये डांस करना बंद कर देते हैं, मैं सच बोल रही हूँ गाइज, मेरे पति बहुत बहुत अच्छा डांस करते हैं। मैंने कब जलाई रोटी? सुबह जलाओ शाम जलाओ। ए मिम्मी तुम समझ ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी है। कौन सा करिश्मा ना लिखा हुआ कहीं कुछ? हाँ तब तो तुम चल समझ गए। इस फॉर ऑल पबजी लवर्स। पबजी का ये बिजी है। हाँ पता नहीं, चलते हैं मोची के पास, चलो ना प्लीज प्लीज चलो प्लीज चलो, अकेले नहीं जाऊंगी मैं। पहले ये बताओ अगर कोई हमारे व्लॉग वो देखते हैं ना, मेबी कोई देखता है ना उसके लिए। नेगी जी व्लॉग देखो, अगर नहीं देखते तो व्लॉग देखो। यार बस करो, कितना वो करोगे, बस इनके ना यही काम है, बस मीम्स देखने और भेजने। आगे मुझे भेजा तुमने भेजो दीदी को, उसको तो सारे भेजते हैं। मीम्स देखो, चॉकलेट खाओ, मीम्स देखो, चॉकलेट खाओ और अपनी लाड़ी को भी दो। अभी भी मीम डाला है मैंने, वो दिखाओ जरा। चलो मुच्ची के पास। यार तू जाओ इधर ही, नीचे गली में इधर ही जस्ट। तो अकेले कैसे जाऊं? अकेले क्या मतलब, वहां बारात लेके जाना पड़ता है। अगर मैं शिमला में होती मैं खुद जाती। तो यहां क्या है? यहां चुरा गया। यहां है इधर बिल्कुल। यहां गाइस आपको दिखा, दिखा कुछ गाइस आपको दिखा, मुच्ची कहां है? बेंच लगाओ नीचे यहां। मुच्ची नहीं दिखा मुझे, तो ये बाहर ना होना रोड पे, थोड़ी ना बैठेगा। तुमने चलना ही नहीं तुमने। यार तो क्या करूंगा मैं, सीढ़ियां उतरनी पड़नी मेरे को, फिर चढ़नी पड़नी, उतरनी पड़नी मेरे को, फिर चढ़नी पड़नी। कट कर, ये सब जाएगा, ये सब जाएगा, पढ़नी बोले फिर चढ़नी पड़नी। पहले मोची का तुम जाओ। अकेले जा रही हूँ मैं, जब ये कभी मुझे बोलेंगे कि मेरे साथ चलो तो मैं कभी नहीं चलूंगी। उस टाइम पे ये ब्लॉग खा लेना कुछ, खा लेना कुछ रिश्वत। देगा
गाइस अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इस तरह से अपने पति से पैसे ना मांगने पड़े तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जो बच्चे की खा लेना। थैंक यू। मुझी हैनी थ्रेडिंग करा लेते हैं। सैंडल्स दे दिए मुझे अंकल के पास, थ्रेडिंग हो गई है। अगर वो थोड़ा जल्दी दे देंगे तो मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या करना गर्मी में, तो जाऊंगी एटलीस्ट घर पे। वो रही हमारी शॉप ऊपर एनवी स्पोर्ट्स एंड स्टाइल, और ये रहे कॉर्नेटो। अब चलते हैं कॉर्नेटो खाने। यार बस तो नहीं आ गई, बस आ गई शायद मेरी। देखो चांद आया, खा लो अब मम्मी के लिए। अभी लाऊं, 10 मिनट से लाऊं। तो पहचाना नहीं इसके 1000 सब्सक्राइबर है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को पहचाना नहीं। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे मैं कॉर्नेटो लेने गई थी तो ये बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को पहचाना नहीं उसने। तो अभी अभी ना अर्थक्वेक आया और मुझे फील हुआ लेकिन मेरे हस्बैंड को फील नहीं हुआ। और ये मुझे बोलते कि तुम्हारी चेयर पीछे थी तो तुम्हें लगानी, मतलब ये मुझे बेवकूफ़ समझते कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे फील हुआ, बहुत आया था। क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की तुमने ना, अर्थक्वेक का पता लग गया था। तो तुम्हें तो नहीं लगाना। अभी नासा से फोन है, किया जाओ। गाइस क्या आपको इसकी शक्ल मिलती जुलती लगती है उस शख्स से? यस, ये तो बिल्कुल डिट्टो है। अरे ये तो मेरे पति है जिनको मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे बैठे बैठे। बस आ गई है, मैं निकलती हूँ यहाँ से अब। आज हमारे पता क्या काम काज लगा है, हम लगा रहे खेत में जुगनी। मम्मी चले गए खेत को, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे थोड़ी पहले भी लगा दी थी, वो थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, वो भी दिखाती होगी कि कितनी बड़ी होगी और वो कितनी सी थी, कप में लगाई थी हमने। और अभी जो लगा रहे हैं वो भी दिखाती हूँ कि कैसे कैसे लगा रहे हैं। ये है जी, ये देखो जो कप में लगाई थी वो ना इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो इसको अब हम इसमें ट्रांसफ़र करें खेत में यहाँ। और ये थोड़े थोड़े से ना ये ढेर ढेर मिट्टी के बना के रखे थे मेरे हस्बैंड ने, को थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है बीच में, तब वो बना के रखते हैं, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं इसमें। ये देखो एक दो तीन लगा दी मैंने, देखो। अब क्या करना है जी, ऐसे निकाल के थोड़ा गिले गिले में डाला है इसको। ये तो ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे भी लगाते हैं ना। कैसे मतलब, सूखे में? हाँ सूखे, फिर पानी बीज ही डाल देना ऐसे। अच्छा बीज। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इसको इस तरह से बना लगाते हैं, जैसे कप हमने तो कप में लगाए ना पहले, तो मैं इसको ऐसे ही भी लगा देते हैं नीचे।
उस टाइम ना इसमें मटर लगे हुए थे खेत में, तो ये मटर वगैरह तो अभी खाली की है, इसलिए खाली नहीं थी जगह, तो फिर हमने कप में लगाए थे, फिर अब खाली हो गया, अब इसको इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। और भी लगाएंगे अच्छा, मतलब अगर हमारे पास जगह, अगर हमारे पास मटर नहीं होते ना, तो हमने ऐसे ही लगा देने थे इसमें। अब हम एक पैकेट और लाएंगे ना, तब वो लगाएंगे ऐसे ही। जो हमने पहले लगाई हुई है ना, वो पहले वाली इतनी इतनी लगाई थी हमने, देखो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, ये देखो यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे लगाई थी थोड़ी, वहाँ पे लगाई हुई है, बड़ी बड़ी हो गई। हाँ आ गया घूम फिर के। सारे मैंने ये लगाई हुई, थोड़ी सी लगाई है, एक दो पैकेट पहले लगाए थे, एक पैकेट ये अभी लगा रहे हैं हम, एक और लाएंगे, उसके बाद भी और भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी हम बीन भी लगाएंगे। लगाई थी जो, उसमें थोड़े थोड़े फूल निकल, फूल तो क्या, देखो कितनी छोटी सी है ये मम्मी, कितनी छोटी सी बीन निकली कितनी छोटी सी बीन निकल गई है, अब इसके बड़े होने का वेट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी निकल गई। हट यार, और सेबों की स्थिति कुछ इस तरह की है आजकल, इतने तो हो ही गए, थोड़े बड़े बड़े थोड़े दिखने तो लग गए हैं, पहले तो दिखते ही नहीं थे, बस तो हो गए थोड़े बड़े बड़े भी। तो इसको मैं इससे यहाँ पे निकाल रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे एक बाल्टी चाहिए पानी के लिए, मुझे अपने फूलों में भी पानी डालना है अभी, और सब्जियों में भी पानी डालना है, शिमला मिर्च में, इसलिए तुम चलो यहाँ से। तेजी वो तो ढंग जाती थी, देखो ना टिका ये आपको पता था ना कि हमारी गाय की कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो इसलिए ये छैन मंगवाया हुआ था, आज लाए ये है? हाँ तो फिर आंटियाँ छैन ला रही है, पिछले कल भी लाई थी थोड़ा, और जंगल से लाते हैं पूरा दिन लगता है, मतलब बहुत मेहनत का काम है। नहीं आप मेरे सब्सक्राइबर हो गए ना, अब आप भी आने चाहिए वीडियो में। जौ रखा है मम्मी ने काट के, और इनमें अभी निकले नहीं है ना ज्यादा, ये थोड़े छोटे हैं, ये वाला थोड़ा छोटा है, ये भी है, तो इनमें भी निकल ही रहे हैं, जैसे ये ये ये, तो इनको थोड़े टाइम बाद लगाएंगे, जिनमें निकल गए उनको हमने लगा दिया है, तो इनको यहीं पानी दे देते हैं।